हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज ये आपकी आरंभिक स्तर पर भाषा DLED फोर्थ सेमेस्टर का जो विषय है, मेन विषय है, जो कि 50 नंबर का पूछा जाता है, इसी का हम आज ये पहली कक्षा लेने वाले हैं, पहली क्लास लेने वाले हैं। तो आप सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाएं बहुत ही ध्यान से इस क्लास को लेंगे, क्योंकि ये क्लास अपने आप में बहुत ही भरपूर तरीके से कंटेंट रखने वाली है। इसी क्लास में हम बहुत सारी चीजों को कवर करेंगे, जैसा कि आप ये सिलेबस देख पा रहे हैं, 50 नंबर में इसका पेपर आता है और काफी ब्रॉड इसका सिलेबस है, बहुत सारी चीजें है कवर करने को। तो हम कोशिश करेंगे एक क्लास में ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करें। तो आज हमारा टारगेट रहेगा कि हम यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही मैं हर चैप्टर में आपको साथ साथ बताती हुई चलूंगी कि जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो टॉपिक इस ईयर में इससे पहले प्रीवियस पेपर में पूछा गया है, ठीक है, अब तक जितनी बार भी पूछा गया है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपनी आज की पहली क्लास की। और आप सभी लोग जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए, एक बार बता दीजिए वॉइस वगैरह क्लियर है कि नहीं, और एक बार क्लास में थम्स अप जरूर करिएगा अगर आपको चीजें समझ आ रही है। सो गाइस, जैसे कि आपने अभी सिलेबस देखा, हमारे पहले चैप्टर का नाम यही है, पठन एवं लेखन का अर्थ एवं महत्व, उद्देश्य, उपयोगिता, फिर वर्ण, शब्द, वाक्य, ध्वनि, ये सारा फर्स्ट चैप्टर में ही आएगा। तो सबसे पहले हम यही समझेंगे दोस्तों कि ये पठन लेखन है क्या, है ना, इसको हम क्या कहते हैं। तो जाहिर सी बात है ये भाषा के कौशल होते हैं। इससे हम क्या समझेंगे, भाषा कौशल किसे कहते हैं, सबसे पहले हम यही एक बेस तैयार कर लेते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर का। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। आप जानते हैं कि हमें जब भी अपने विचारों को, अपने भावों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करना होता है, तो हम उसे कैसे करते हैं, या तो बोलकर या फिर लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, और सामने वाला उन्हें कैसे समझता है, या तो सुनकर या फिर पढ़कर। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं, जिसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो मनुष्य समाज में अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण करने के लिए हम क्या करते हैं, बोलकर या लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, तथा सुनकर या पढ़कर विचारों को ग्रहण भी करते हैं। भाषा से संबंधित इन चारों क्रियाओं के प्रयोग करने की जो क्षमता होती है, उस क्षमता को ही हम भाषा के कौशल कहते हैं। ये प्रीवियस पेपर में पूछा गया है कि भाषा कौशल किसे कहते हैं और भाषा कौशल के कितने प्रकार है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं, भाषा कौशल के कौन कौन से प्रकार है। तो इसको याद रखने के लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं, सू बो पा ली, ठीक है, ये ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। या फिर आप इसको इंग्लिश में अगर याद रखना चाहे तो LSRW से आप इसको याद रख सकते हैं। L से लिसनिंग यानी सुनना, दूसरे नंबर पर आता है S स्पीकिंग यानी बोलना, फिर आता है R से राइटिंग रीडिंग पढ़ना, और W से राइटिंग लिखना, ठीक है। ये चार कौशल होते हैं भाषा के, बिल्कुल आपके पेपर में पूछा जा चुका है। तो कौन कौन से, सुनना जिसको हम श्रवण कौशल कहते हैं, बोलने को हम वाचन कौशल कहते हैं, पढ़ने को पठन कौशल कहते हैं, और लिखना को लेखन कौशल कहते हैं। ये चारों आपको ध्यान रखने चाहिए। अब एक एक करके इन चारों कौशल के बारे में क्या क्या प्रीवियस पेपर में पूछा जा चुका है, और इनको कैसे आपको पढ़ना है ताकि बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको ये चीजें समझ में आ जाए, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है पठन कौशल। तो सबसे पहले यही हम जानेंगे कि पठन है क्या और इसका क्या अर्थ है। तो पठन का अर्थ एवं परिभाषा 2017 में भी पूछा गया है और उसके बाद भी। पठन का अर्थ होता है लिखित सामग्री को पढ़ना और उसके अर्थ को ग्रहण करना, यानी जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के उसके अर्थ को ग्रहण करना ही पठन कहलाता है। और अगर बात करें कि पठन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो पठन जो है ये अंग्रेजी शब्द रीडिंग का हिंदी रूपांतरण है, हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है पढ़ना। क्या होता है, पढ़ना, ठीक है। जिस तरीके से मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, अगर आप ऐसे ही अपने एग्जामिनेशन कॉपी में लिखोगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा हर चीज को ऐसे हाईलाइट करके।
अब हम इसकी कुछ परिभाषा देख लेते हैं। आप एक परिभाषा इसकी याद रख लेना जो आपको आसान लगे, क्योंकि जब आपसे पूछा जाए कि पठन किसे कहते हैं, आप किसी की परिभाषा के अनुसार लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए सबसे पहली परिभाषा हम देखेंगे श्री रमन बिहारी लाल के अनुसार। तो शब्दों के उच्चारण मात्र को वाचन या पठन नहीं कहते हैं, क्योंकि उच्चारण के साथ उसके अर्थ या भाव को समझना भी आवश्यक होता है। कि केवल पढ़ लिया, उसका उच्चारण कर दिया, उतना ही पठन का सीमित नहीं है एरिया, बल्कि उसको जो लिखा हुआ है उसको समझना भी होता है पढ़कर। ठीक है, तो ये कहा श्री रमन बिहारी लाल जी ने। दूसरी परिभाषा है डॉक्टर उमा मंगल के अनुसार। डॉक्टर उमा मंगल जी ने क्या कहा, इन्होंने बताया कि वास्तव में लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ प्रकट करने की प्रक्रिया को पठन या वाचन कहते हैं। बात एक जैसी ही है दोनों में, बस थोड़ा शब्दों का हेरफेर है, ध्यान रखना। उमा मंगल जी ने क्या कहा कि वास्तव में लिखित सामग्री को पढ़ते हुए उसका अर्थ प्रकट करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, पठन कहते हैं। क्या कहते हैं, पठन कहते हैं। आई होप आपको ये दोनों ही परिभाषाएं बहुत अच्छे से याद भी हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ से हर एक स्टेप पर प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आए हैं कि पठन प्रक्रिया का क्या उद्देश्य है, कौन कौन सी विधियां हैं, सस्वर पठन या वाचन किसे कहते हैं, तो ये बिल्कुल पूछे गए हैं आपके पेपर में। चलिए अब हम देखते हैं पठन प्रक्रिया के उद्देश्य। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स को भी जरूर आप लोग शेयर करिए, ताकि मैं आप लोग जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा मैं आपके लिए क्लासेस लेकर के आऊंगी। मेरा भी मन होगा कि हाँ आपके लिए क्लासेस रेडी की जाए। और आपके एग्जाम में अब ज्यादा समय भी नहीं है, तो आप अपनी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करिए, आपको सारी चीजें इस क्लास में ही याद हो जाएगी, उस तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं पठन प्रक्रिया के क्या उद्देश्य है। पहला है पठन मुद्रा, यानी मुद्रा से क्या मतलब है कि हमारी पोजिशन कैसी होनी चाहिए पढ़ते समय। ठीक है, तो पढ़ते समय बच्चे की आंखों और पुस्तक के बीच में एक निश्चित दूरी होनी चाहिए। क्या आप बता पाएंगे कितनी है वो निश्चित दूरी, कितनी दूरी होनी चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए बच्चे की पुस्तक और उसकी आंखों के बीच में, आप मुझे बताएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। उच्चारण स्थानों का प्रयोग तथा बैठने और खड़े होने की मुद्रा भी सही होनी चाहिए। बैठने की मुद्रा कैसे, कमर सीधी करके बैठना पढ़ते समय ना। आगे बात करते हैं दूसरा उद्देश्य क्या है पठन प्रक्रिया का, वो है पठन शैली, यानी किस ढंग से हम पढ़ रहे हैं। पढ़ते समय स्वरों का उच्चारण आरोह तथा अवरोह के अनुसार हो, यानी उतार चढ़ाव हो। जब हम बोलते हैं जिस शब्द पर ज्यादा जोर देना है वहां पर जोर दे, जहां रुकना है वहां थोड़ा ठहरे, है ना। तो पढ़ते समय स्वर गति, प्रवाह, लय और ध्वनियों के उतार चढ़ाव पर भी ध्यान हमको देना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन सब पर ध्यान नहीं देंगे तो जैसा हम मैसेज सामने वाले को कन्वे करना चाह रहे हैं, जिस तरह से हम समझाना चाह रहे हैं, वो ऐसे नहीं समझेगा, उसका वही मीनिंग नहीं दिखनेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि एक तो सेंटेंस है कि रोको मत जाने दो। ठीक है, रोको मत जाने दो, जाने दो। अब इसमें आप एक बार रुकेंगे उसी से इसको इसका मीनिंग बदल जाएगा। देखो, अगर आप रोको के बाद रुकेंगे कि रोको मत जाने दो, इसका मतलब है कि जो जा रहा है उसको रोक लो, जाने मत दो। ठीक है, अगर आप इसकी जगह मत के बाद एक बार विराम लेंगे, यहाँ पर रुकेंगे, तो इसका मीनिंग बदल जाएगा, है ना, कि रोको मत जाने दो, जो जा रहा है जाने दो, रोको मत। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कि हम कैसे उसमें विराम ले रहे हैं, है ना, जहाँ सही जगह जो हम मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, हम सही जगह उस पे उतार चढ़ाव, लय ध्वनि का ध्यान दे रहे हैं और गति प्रवाह का ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। इसके साथ ही शुद्ध उच्चारण हो, जो भी हम पढ़े उसका कोशिश करें कि शुद्ध उच्चारण हो। तो ये क्या होती है, यहाँ पर पठन की प्रक्रिया के उद्देश्य होते हैं, इसीलिए पठन करवाया जाता है कि ये उद्देश्य है, ये सारी चीजों का सुधार हो पठन करते वक्त। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, जल्दी से बताइए एक बार, इतना क्लियर है जी। आगे बढ़ते हैं सस्वर पठन, ये तीसरी इसकी प्रक्रिया है, सस्वर पठन या जिसको हम वाचन कह देते हैं, सस्वर पठन या वाचन।
2017-18 और 2022 में भी यहाँ से क्वेश्चन बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। क्या होता है वाचन या सस्वर पठन? भाई लिखी हुई विषय वस्तु को स्वर सहित पढ़ना ही सस्वर वाचन कहलाता है। स स्वर, स मतलब सहित, स्वर के सहित पढ़ना ही क्या कहलाता है? सस्वर वाचन कहलाता है। अब इसके भी दो प्रकार होते हैं, अगर पूछ लिए जाए तो आपको पता होना चाहिए। सस्वर वाचन के कितने टाइप से? दो है, पहला आदर्श वाचन और दूसरा होता है अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन किसे कहते हैं? कि जब शिक्षक द्वारा किया जाने वाला जो वाचन होता है उसको हम कहते हैं आदर्श वाचन। लेकिन जब यही वाचन छात्रों के द्वारा किया जाए, कि जिस तरीके से अगर शिक्षक ने कुछ पठन किया, वाचन किया है ना, तो उसको सुनकर फिर छात्र उसका अनुकरण कर रहे हैं, वही चीज दोहरा रहे हैं, तो वही छात्रों के द्वारा किया जाने वाला वाचन अनुकरण वाचन कहलाता है। क्लियर? ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इतना समझ आ गया है तो। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि पठन के महत्व क्या है, इसकी इंपोर्टेंस क्या है, इसके महत्व क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई अगर पढ़ना ना आए तो क्या कुछ बिगड़ थोड़ा ही ना जाएगा, लेकिन अगर पढ़ना आए तो फिर क्या क्या इसकी इंपोर्टेंस है हमारी लाइफ में, चलिए देखते हैं। पेपर में पूछा जा चुका है, सबसे पहला तो यही है कि मनोरंजन में सहायक है। अब मनोरंजन में कैसे, आप कहेंगे पढ़ना आता है तो मनोरंजन में कैसे सहायक है? भाई आप चुटकुले तो पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में, है ना, मोबाइल फोन में मैसेजेस करते हैं उनको भी तो पढ़ते हो, और बहुत सारी चीजें ऐसी है ना, तो मनोरंजन में सहायक होता है पठन। दूसरा सबसे मेन इसका महत्व ये है कि आप शिक्षा की प्राप्ति में सहायक होता है। अगर आपको पढ़ना ही नहीं आएगा तो कैसे आप फिर उस चीज के बारे में और ज्यादा जान पाओगे, कैसे और जानकारी इकट्ठा कर पाओगे, है ना, कैसे शिक्षा को ग्रहण कर पाओगे, तो शिक्षा प्राप्ति में सहायक। इसके अलावा सामाजिक उपयोगिता भी है, भाई समाज में एक अनपढ़ का दर्जा दे दिया जाएगा, नहीं आएगा पढ़ना, है ना, बहुत सारी चीजों से पीछे रह जाओगे, तो सामाजिक उपयोगिता भी है। साथ ही समाचारों को जानने के लिए भी सहायक है, भाई देश दुनिया में क्या चल रहा है पढ़कर ही तो पता चलता है ज्यादातर, है ना, न्यूज़पेपर हो गया, कोई मैगजीन हो गई, वो बात अलग है कि हम सुन भी सकते हैं मोबाइल फोन की या टीवी की हेल्प से, उसमें देखते हैं सुनते हैं, है ना, लेकिन पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। भाषा संबंधी समस्याओं का निराकरण करने के लिए भी हमें पठन आना चाहिए। ये सब क्या है, पठन के महत्व है, इनको आप बिल्कुल लिख दीजिएगा, बहुत आसान है, सारे याद हो गए। क्या क्या है? मनोरंजन में सहायक है, शिक्षा प्राप्ति में सहायक है, सामाजिक उपयोगिता है, समाचारों को जानने के लिए सहायक है, भाषा संबंधी समस्याओं का निराकरण भी करता है। आगे बढ़े दोस्तों, आगे हम बात करेंगे इसके टाइप्स। अब पठन के क्या क्या प्रकार होते हैं, इसके टाइप्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, 2017-18 दोनों में पूछा गया है, और सस्वर पठन तो न जाने कितनी बार पूछ लिया गया है, तो चलिए देखते हैं। पठन के दो प्रकार होते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग दिए गए हैं, लेकिन आप यही याद रखिएगा कि इसके टू टाइप्स होते हैं, दो प्रकार होते हैं, पहला है सस्वर पठन और दूसरा होता है मौन पठन। सस्वर और मौन पठन, मौन पठन के कई सारे इसके अंदर उपभेद आ जाएंगे, कि अभिनय पठन, चित्र पठन, मुद्रा भाव पठन और दृश्य पठन, यानी किसी चित्र को देख करके उसके बारे में पढ़ना कि इसमें क्या क्या हुआ होगा, चित्र देख करके ही समझ लेना, कोई अभिनय कर रहा है उसको समझना, है ना, वो मौन पठन कहलाता है। या फिर पुस्तक सामने रखी है लेकिन मन मन में आप पढ़ते हैं तो वो भी मौन पठन होता है। चलिए दोनों चीजें समझ में आई। सस्वर पठन की जब हम स्वर के सहित पढ़ते हैं, थोड़ा जोर से बोल के पढ़ते हैं, इसको मैंने आगे एक्सप्लेन भी किया है, उसको हम सस्वर पठन कहते हैं। एक बार मैं आपको थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बता देती हूँ, क्योंकि ये पूछा जा चुका है, है ना, 2017 में सस्वर पठन अलग से पूछा गया था आपके वेरी शॉर्ट में, तो ध्यान दीजिएगा, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। सस्वर पठन किसे कहते हैं या वाचन किसे कहते हैं? सस्वर, तो स्वर के सहित पठन या स्वर के सहित वाचन को ही सस्वर वाचन कहलाता है, अर्थात लिखी हुई विषय वस्तु को देखकर सस्वर पढ़ना, स्वर के साथ पढ़ना। अब सस्वर पठन या सस्वर वाचन भी दो प्रकार का होता है, पहला तो होता है आदर्श वाचन, दूसरा होता है अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन हमने ऊपर देखा है ना, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, ऊपर अभी तो जाना था, देखो यहाँ पर
ये रहा सस्वर पठन, ठीक है। यहां जान लिया हमने इसके बारे में, इसके दो प्रकार होते हैं, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन, ये भी ध्यान रखिएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, पठन का प्रकार दूसरा जानेंगे, मौन पठन, जिसमें हम शांत रह के अपने मन में ही उन चीजों को पढ़ते हैं। अब पढ़ते समय ध्यान रखने के योग्य कौन कौन सी बातें हैं, कि जब हम पढ़ रहे हैं तो उस समय किन किन बातों का ध्यान रखें, ये भी पूछा जा चुका है 2017-2018 दोनों में। पठन करते समय शब्दों का उचित उच्चारण करना चाहिए, स्वर गति लय और प्रवाह पर भी पूरा ध्यान रखना चाहिए, शब्दों को अलग अलग करके उचित बल एवं विराम के साथ पढ़ना चाहिए, शब्दों का उच्चारण स्पष्ट हो जिससे सुनने वाला आकर्षित हो, उनको समझ आए आप क्या कह रहे हो, आपकी बात और ज्यादा सुनना चाहे, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि एक तो स्पष्ट उच्चारण हो, शब्दों पर अलग अलग करके शब्दों को पढ़े, उन पर उचित बल और विराम के साथ उनको पढ़े, है ना, स्वर गति लय प्रवाह इन सब का भी ध्यान रखे। तो ये सारी बातें ध्यान रखने योग्य है पढ़ते समय। अब आ जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2019 में पूछा गया और शायद इसके बाद भी आया है ये आपके प्रीवियस पेपर में। पठन कौशल के कोई भी दो बाधक तत्व बताइए, ऐसे करके क्वेश्चन आया है, लेकिन मैं आपको पांच बता देती हूँ। अब इनमें से जो आपको आसान लगे वो आप अपने एग्जाम में लिख देना अगर ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। पठन कौशल के बाधक तत्व यानी कौन कौन से ऐसे तत्व है या कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो एक बैरियर के रूप में काम करती है जब हम पठन सीख रहे होते हैं या पढ़ना सीख रहे होते हैं या कौशल को विकसित कर रहे होते हैं, तो कौन कौन से बाधक तत्व है ना। पहला है पढ़ने की कला का अभाव, कि अगर हमें पता ही नहीं है किस शब्द पर जोर देना है ना, किसका कैसे उच्चारण होना है, अगर वही चीज हमको नहीं पता है तो वो इस पर इफेक्ट डालती है ना, वो इसमें एक बाधक के रूप में कार्य करती है। दूसरा है पठन रुचि का अभाव, भाई अगर हम पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, हम सीखना ही नहीं चाहते हैं कि इस शब्द को कैसे उच्चारित किया जाएगा, है ना, इसको कैसे पढ़ना है, अगर हमारी रुचि ही नहीं है उस प्रकार उस तरफ, तो क्या हम उतना अच्छा वाचन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो ये भी एक बाधक तत्व है। तीसरा है चिंतन का अभाव, है ना, कि हमने क्या पढ़ा है उसके बारे में जानकारी लेना और उस पर चिंतन करना, अगर वो भी अभाव है तो ये भी कारण है, बाधक तत्व है। चौथा है मन की एकाग्रता, कि अगर हमारा मन ही शांत नहीं है, हम जो पढ़ रहे हैं उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं, हम सोच कुछ रहे हैं, पढ़ कुछ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है गलती होगी, तो ये भी इसमें एक बाधक तत्व के रूप में कार्य करता है। और पांचवा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दृष्टि दोष का होना, कि अगर हम देख ही नहीं पा रहे हैं सही से कि लिखा क्या है, है ना, कोई भी हमारी दृष्टि से संबंधित प्रॉब्लम है, तो फिर भी ये एक यहाँ पर बैरियर का काम करेगा पठन के कौशल में। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फटाफट से कवर करेंगे आगे की चीजें, क्योंकि समय बहुत कम है और आपके 8 सब्जेक्ट है, तो फटाफट पूरे कराने हैं मुझे आपके सारे सब्जेक्ट्स। जुड़े रहिए आप मेरे साथ और अपने बाकी सभी फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कीजिए दोस्तों, आप ही का भला होगा उसमें कि मैं और ज्यादा चीजें आपके लिए लेकर के आऊंगी। आगे देखते हैं पठन अक्षमता को दूर करने के उपाय, कि अगर पठन अक्षमता को दूर कैसे किया जा सकता है, कि अगर बच्चे कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, तो क्या क्या किया जाए कि ये जो बच्चे की प्रॉब्लम है इसको दूर किया जा सके कुछ हद तक। पहला है पठन हेतु बालकों को बाल गीत या छोटी छोटी कहानियों आदि को पढ़ने में रुचि का विकास किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे का पढ़ने की तरफ रुचि डेवलप होएगी, उसका इंटरेस्ट डेवलप होएगा, तभी वो अपनी तरफ से भी पढ़ने का प्रयास करेगा। तो जाहिर सी बात है बच्चे को, छोटे बच्चे हैं तो बाल गीत या कहानियां उन्हें बहुत पसंद होती है, तो वहीं से शुरुआत की जाए, है ना। दूसरा है पढ़ने के साथ साथ बालक समझता भी चले तथा अर्थ भी ग्रहण करे, ऐसा उनको अभ्यास कराया जाए। ऐसा नहीं है कि भाई दिमाग उसका उसमें लग ही नहीं रहा है, सिर्फ वो पढ़ रहा है देख करके, है ना, उसकी सारी इंद्रियां एकाग्र रहे उस समय और जो वो पढ़ रहा है उसको वो समझे, इसका अभ्यास हमें शुरू से ही बच्चे को करा के चलना है।
तीसरा है बालक बालक में चक्षु गति एवं पठन में सामंजस्य स्थापना का अभ्यास कराना। कि कई बार आपने देखा होगा जब हम छोटे थे या छोटे बच्चों को जब आप पढ़ते हुए देखते हैं कि वो क्या करते हैं कि अगर इस लाइन में पढ़ रहे हैं तो आगे की छोड़ के उसको पता नहीं चलेगा कब वो यहाँ से पढ़ना शुरू कर देंगे, है ना। यानी उनकी आंखों और जहां वो पढ़ रहे हैं उसकी गति में सामंजस्य या आप कह लीजिए उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता। तो उसके लिए आप क्या अभ्यास कराएं कि बच्चा उंगली रख करके ऐसे पढ़े, जहां वो आ रहा है अपनी उंगली रखता जाए और उसको पढ़े, है ना। तो ये आप उसको अभ्यास कराएं तो हम इससे बहुत सारी जो इसमें अक्षमताएं हैं उनको दूर कर सकते हैं, ये उनके उपाय हैं। चलिए फटाफट से पठन को तो हम पूरा ही करके छोड़ेंगे, इसको भी कवर करते हैं कि पठन की क्या क्या विधियां हैं, पठन की विधियां कौन कौन सी है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये पूछी जा चुकी है एग्जाम में भी कि किन्हीं दो विधियों के बारे में बताइए पठन की। पहली है ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि साम्य विधि मतलब साम्य मतलब होता है एक समान या एक जैसे, कि बच्चों को एक जैसी ध्वनियों के वर्णों का ज्ञान एक साथ कराया जाता है कि एक जैसी ध्वनियों को एक साथ, ठीक है, जिसको मेरे ख्याल से होमोफोन्स भी कहते हैं कि जिनकी एक जैसी ध्वनि होती है उनको एक साथ कराते हैं, जैसे राम काम आम दाम, है ना। जो आप कह सकते हैं कि लयबद्ध शब्द होते हैं जिनकी एक तरह की लय होती है, उनको एक साथ ही बच्चे को इंट्रोड्यूस करे ताकि वो उनमें अंतर समझ सके, है ना। और कोशिश करे कि चित्रों के माध्यम से पढ़ाया जाए क्योंकि बच्चे का ध्यान उसकी तरफ फिर आकर्षित रहता है। तो पहली तो यही होगी कौन सी विधि, ध्वनि साम्य विधि, कि एक जैसे ध्वनियों वाले वर्णों का ज्ञान एक साथ कराया जाए। दूसरी है अक्षर बोध विधि, यानी बच्चों को स्वर और व्यंजन का उच्चारण करना तथा वर्णों की पहचान करना बताया जाता है, उन्हें मात्रा शब्द इनको भी पढ़ना सिखाया जाता है। अक्षर बोध विधि मतलब एक एक करके चीजों को, कि पहले बच्चे को हम स्वर के बारे में बताएं, व्यंजनों के बारे में बताएं, फिर मात्राओं का ज्ञान बताएं, है ना। तो और फिर इन सबको मिलाकर के वाचन करना सिखाएं। तीसरी होती है कविता विधि, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि इसमें बच्चों को कविताओं और गीतों के माध्यम से पढ़ाया और सिखाया जाता है, जिससे बच्चे अत्यधिक पढ़ने में क्या लेते हैं, रुचि लेते हैं। पहली ही यूनिट इसकी ज्यादा बड़ी है, बाकी तो और छोटी छोटी आएगी, तो आप ये मत सोचना कि आज पूरी यूनिट कंप्लीट नहीं हो पाई, है ना, क्योंकि पहले ही यूनिट में सबसे ज्यादा कंटेंट है, आगे तो फिर बहुत छोटी छोटी चीजें हैं इसमें, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। चौथी विधि है कहानी विधि। कहानी विधि यानी कहानी सुनकर बच्चे पढ़ना सीखते हैं, उनको याद रखते हैं कहानी को, चित्रों के माध्यम से भी हम कहानी सुना सकते हैं, उनको याद करा सकते हैं, तो एक विधि ये हो गई। नेक्स्ट है वाक्य विधि, यानी छोटे छोटे सरल वाक्यों के माध्यम से बच्चे को पढ़ाना व लिखाना सिखाया जा सकता है। ये कुछ विधियां हैं, आप इनके नाम जरूर याद रखिएगा, अगर अंदर का कंटेंट याद नहीं रहता है तो भी इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप उसके बारे में फिर खुद से भी आंसर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इनकी हेडिंग्स तो कम से कम आपको पता होनी चाहिए। आप ना बीच में पॉज करके वीडियो को अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलिए कि इन चीजों के जैसे हेडिंग्स आपने लिख ली है ना, आपको अंदर का तो पता रहेगा कि मैंने क्या बताया आपको, तो शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। अब यहाँ पर आ जाता है आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। यहाँ मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी जिनको आपको बताना है, ठीक है। पहला तो यही है कि पठन कौशल के बाधक तत्व बताइए, 2019 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन और इससे पहले भी, तो ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिएगा और जिसका आंसर सही होगा सबसे पहले आएगा उसके कमेंट में पिन जरूर करूंगी। नेक्स्ट है भाषा के भेद, ये तो मैंने आपको यहाँ बता ही दिया है कि लिखित और मौखिक, ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है। आई थिंक ये आपका एमसीक्यू में पूछा गया था 2019 में। नेक्स्ट है आरंभिक भाषा कौशल कौन कौन से होते हैं, देखते हैं आपने कितना समझा है अभी तक कि आरंभिक भाषा के कौन कौन से कौशल है, जो भी है उनको एक साथ बताइएगा, एक ही कमेंट में इन तीनों के आंसर आपको करने हैं। और आई होप गाइज आपको क्लास पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले और अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप्स में, स्कूल जो आपके कॉलेज ग्रुप्स है जहाँ आपके बाकी क्लासमेट जुड़े हुए हैं उन सबको भी शेयर जरूर करिएगा। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।